हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक लेकर चलाया हूँ एक नया स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग। वीवो V23 5G मोबाइल। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग आप सभी को दिखाऊंगा, और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए। तो दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। और बहुत ही अच्छा सेट है। तो दोस्तों, पैकिंग बहुत ही अच्छा किया हुआ है, नीचे साइड 5G लिखा हुआ है। और दोस्तों, इसमें 8GB रैम का एक आता है और एक आता है कि 12GB रैम का। और इसमें स्टोरेज दिया हुआ है 128GB रोम, और एक आता है 256GB। तो दोस्तों, सेट काफ़ी अच्छा है, देखने में भी बहुत ही अच्छा है। एक करीबन आपको मिल जाएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट दोनों में ही मिल जाएगा, 30,000 से 35,000 के बीच में आप सभी को मिल जाएगा। और सेट काफ़ी भारी है, पैकेट बहुत ही अच्छा किया हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा ब्लेड से काट लूँ और इसका अनबॉक्सिंग आप सबको मैं दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर में और क्या क्या दिया हुआ है, इसका कैमरा कैसा दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स काफ़ी टाइट है, तो मैं देख रहा हूँ इसको निकालना पड़ेगा, तो प्लास्टिक थोड़ा हटा दूँ। और बॉक्स काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो V23 ऊपर में लिखा हुआ है। और मैं थोड़ा इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, बॉक्स ओपन हो चुका है और मैं मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर अंदर में क्या क्या दिया हुआ है मैं दिखाऊंगा आप सभी को। इधर में कुछ स्टिकर दिया हुआ है EMI का, और इसको थोड़ा साइड में रखकर मैं अंदर में क्या क्या दिया हुआ, इसमें एक प्लास्टिक का एक सिलिकॉन कवर दिया हुआ है। और दोस्तों, काफ़ी अच्छा है प्लास्टिक का। और दोस्तों, और क्या दिया हुआ है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया हुआ है वीवो की तरफ से। और दोस्तों, चार्जर काफ़ी अच्छा है, फास्ट चार्जर दिया हुआ है इसमें। तो दोस्तों, इसमें चार्जर 44 वाट का चार्जर, इसमें फास्ट चार्जर दिया हुआ है इसमें, और काफ़ी ठीक है। और अंदर में क्या दिया हुआ है, और इसका एक हेडफोन दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल कोई भी सेट में हेडफोन नहीं दे रहा है, तो इसमें हेडफोन दे रहा है, ये बहुत ही अच्छा बात है। हेडफोन ठीक है, ठीक ठाक है। और क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों इसमें उसका केबल दिया हुआ है, तो फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ। इसमें टाइप से दिया हुआ है, एक बी टाइप का दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें एक सिम इजेक्टर पिन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो देख लेता हूँ इसमें और एक कुछ है। इसमें कुछ केबल दिया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
तो इसमें एक हेडफोन वगैरह चलाने के लिए एक केबल दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको साइड में रखकर मोबाइल को थोड़ा ऑन करके आप सभी को मैं दिखाऊंगा इसका कैमरा कैसा दिया हुआ है। तो उसका प्लास्टिक थोड़ा मैं हटा दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो सेट काफ़ी देखने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसका लुक्स बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हो। और सेट काफ़ी पोर्टेबल है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ऑन करके आप सभी को मैं दिखाऊंगा। साइड में वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ है, सेट का लुक काफ़ी अच्छा है। इधर में तीनों कैमरा दिया हुआ है और बैक साइड में 64 मेगापिक्सल इसका कैमरा दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें तीनों कैमरा है बैक साइड में, एक है 64 मेगापिक्सल और उसके नीचे में है 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट में है 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है प्लस 8 मेगापिक्सल डुअल फोन कैमरा है इसमें दिया हुआ है। तो ऑन करते ही वीवो का 5G लिखा हुआ आ गया, बहुत अच्छा लग रही है। तो मैं इसको थोड़ा सेटअप कर लूँ और उसके बाद इसमें ऑन करके आप सभी को मैं सेटअप कर हो जाने के बाद दिखाऊंगा कि इसमें कैमरा कैसा दिया हुआ है। और फिलहाल इसमें दोस्तों इसका बैटरी दिया हुआ है 4200, बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है। और इसका स्क्रीन की साइज 6.44 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले है। तो दोस्तों सेटअप होने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा, तो आगे देखता हूँ कि क्या होता है कि सेटअप होने के बाद इसका स्क्रीन कैसा है। सेट काफ़ी अच्छा लग रही है, हाथ में लेने पर एक फील होता है अलग सा कि मोबाइल हाथ में है, बहुत अच्छा लग रही है। तो दोस्तों मोबाइल सेटअप हो चुका है, आप देख सकते हो इसका स्क्रीन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फास्ट इसका काम कर रही है, इसका ब्राइट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रही है। तो मोबाइल हाथ में लेने पर बहुत अच्छा लग रही है। तो दोस्तों मैं इसका कैमरा ऑन करके आप सबको मैं दिखा रहा हूँ बैक साइड का कैमरा। तो मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, आप सभी को दिखाऊंगा। आप देख सकते हो पिक्चर काफ़ी क्लियर आया है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों इसका कैमरा, 64 मेगापिक्सल का इसका कैमरा दिया हुआ है। तो दोस्तों आप मैं फ्रंट में मेरा ही कैमरा मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ कि मेरा पिक्चर में भी अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है।
तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो फिलहाल मेरे पास 8 GB रैम का है और इसमें 4 GB एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है। टोटल 12 GB इसमें दे रहा है। और दोस्तों मैं क्या बोलूँ, सेट हाथ में लेकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आगे देखिए और इसमें क्या दिया हुआ है। और दोस्तों मोबाइल पीछे की तरह बैक साइड में बहुत अच्छा है देखने में। और दोस्तों मैं इसका सिम कैसा दिया हुआ है और सिम कहां पर लगाना जाएगा मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो आगे देखिए, वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों मैं इसका सिम कहां पर लगाता है मैं आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो इसके मोबाइल का नीचे में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं पिन से इसको ओपन कर रहा हूं और इसमें आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि मोबाइल पर सिम कैसे लगाएंगे। इसमें दोस्तों दोनों साइड दिया हुआ है, दो सिम आप लगा सकते हो आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं और भी नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों बाय बाय।